सो नाउ प्रोसीडिंग विद टाइप बी रिएक्शंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। इसमें अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड हम दो तरह के यूज करते हैं, वन इज PCl5, सेकेंड इज PCl3। तो जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे विद फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनेगा अल्काइल हैलाइड, एक बनेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और एक बनेगा HCl। जब हम PCl3 यूज करते हैं तो उस केस में हमें जो अल्कोहल है दैट वी नीड 3 मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों की रेशियो क्या आएगी, 3:1। अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेंगे 3 मॉलिक्यूल RX के, ये RX, बाकी क्या बच गया, H3PO3। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं इनकी मैकेनिज्म की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद PX3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल प्लस PCl3, तो इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा फास्फोरस को। अब फास्फोरस यहाँ पे अपनी वैलेंसी 3 से ज्यादा नहीं रखेगा, तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है इन द सेम स्टेप Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन के 3, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी क्या बच गया, PCl2। नाउ ये जो Cl नेगेटिव निकला है, आप इसको इस तरह से करोगे कि अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक किया और इसको निकाल दिया, अब ये वापस आएगा। यू कैन इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये बदला लेने के लिए वापस आया। तो इसने कहाँ पे बदला लिया, इसने रिवेंज लिया है अल्कोहल के R को अपनी तरफ खींच के। नाउ इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स कि जो R है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। तो ये बन गया RX, बाकी क्या बच गया, बाकी है जी HOPCl2। तो अगर हम इसको देखें, दिस इज अ HO सिंगल टाइम PCl2। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से रिएक्ट करेगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HO1 की जगह पे HO2 प्लस एक और मॉलिक्यूल RX का बन जाएगा। फिर ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हो जाएंगे HO3 PCl, यानी कि हैलोजन कम होते जाएंगे। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बनेंगे RX के, और साथ में बनेगा H3PO3। 3 मॉलिक्यूल बनेंगे RX के और साथ में बनेगा H3PO3। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट है विद PCl5। तो PCl5 के केस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे। दो मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या है, 5 × 2 = 10, ये आपस को दो, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन विल बी केटाइन, अनदर विल बी एनायन। केटाइन कम वाला, एनायन ज्यादा वाला। ऑब्वियसली फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है मैक्सिमम ये 5 तक एक्सटेंड करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जब 4 है, 5 से कम है तो पॉजिटिव चार्ज, 5 से ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। सो सबसे पहले आएगा पॉजिटिव चार्ज वाला, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अल्कोहल से लेगा। ऑक्सीजन के 2 के 3 बॉन्ड हो गए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास बन गया है ROH PCl4। अब जैसे ही ये स्पीसीज बनी है, अब कौन आएगा, PCl6 नेगेटिव अटैक करने के लिए आएगा। सो PCl6 नेगेटिव जब अटैक करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे क्या है, PCl6 का Cl R को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा RCl में। नेक्स्ट क्या बच गया, नेक्स्ट इज हमारे पास ये बचा HOPCl4। अब ये जो HOPCl4 है, और साथ में ये PCl5 भी निकल गया। सो ओवरऑल हम अगर इस रिएक्शन को देखें, तो हमारे पास PCl6 नेगेटिव प्लस अल्कोहल थी विद PCl4। तो नंबर 1 क्या निकला, RCl। नंबर 2 क्या निकला, PCl5। नंबर 3 हमारे पास क्या है, HO अलोंग विद PCl4। तो अब हम इसकी तरफ फोकस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, HOPCl4 है, HOPCl4 में से H और Cl, H इलेक्ट्रॉन पेयर देके और Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। बाकी क्या बचा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो ये बन गया POCl3। नेक्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन विद थायोनाइल। थायो का मतलब होता है सल्फर, थायोनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या है, जब हम अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड को यूज करेंगे, हमें बेस चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ तो आप टर्शरी बेस यूज कर सकते हो, टर्शरी अमाइन, या पिरिडिन यूज कर सकते हो। तो इनकी रेशियो में चाहिए 1:1। अब बनेगा क्या, RCl प्लस सल्फर SO2
प्लस HCl, तो ये तीन कंपाउंड बनेंगे जिसमें से ये दो गैसेस हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को इससे प्रेफर किया जाता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड प्योर बन जाता है, बिकॉज दीज टू मॉलिक्यूल बीइंग इन गैसियस स्टेट ये इजीली एस्केप आउट हो जाते हैं। अब इसका जनरलाइज रिएक्शन था, अब यहाँ पे हमने इथेनॉल ले ली, थायनाइल क्लोराइड है, पीरीडीन है, तो RX कौन सा बन गया, इथाइल क्लोराइड प्लस, ये दो गैसेस निकल गए। अब इस रिएक्शन को हम बाई नेम रिएक्शन करते हैं, दिस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसीजर। और बेस को हम क्यों यूज करते हैं, बेस के आगे दो पॉइंट्स आएंगे कि पीरीडीन का काम, हमने पीरीडीन को एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज किया है। नंबर वन, ये न्यूट्रलाइज कर देती है अगर HCl एक्सेस में बनता है, और दूसरा इसका काम ये है कि जो पीरीडीन है ये RO SOCl के साथ रिएक्ट करती है, तो होएगा क्या, पीरीडीन ये हमारा जो बन रहा है RO SOCl विच इज अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, ये एक इंटरमीडिएट बनता है, बीच में कंपाउंड बनता है, तो पीरीडीन सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, ये RCl के रिमूवल को इजी करती है। किस तरह से करेगी, जैसे ही पीरीडीन SO के साथ रिएक्ट करेगी Cl नेगेटिव निकल जाएगा, बाकी क्या बच गया, RO SOCl की जगह पे क्या आ गई, पीरीडीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पीरीडीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रही है, पीरीडीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चलेगी, प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन RO के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सल्फर के बीच में चला जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी क्या बच गया, R, ये Cl के साथ रिएक्ट करके RCl। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल और थायोनाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल प्लस थायोनाइल क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे SOCl2, पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, सल्फर की वेलेंसी कम होने लगी तो ऑक्सीजन हेल्प करेगा, फिर ऑक्सीजन के दो के तीन बॉन्ड बन गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज ROH, और साथ में ये सारा विद सल्फर ऑक्सीजन कैरिंग सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, H पॉजिटिव आयन निकलने का मतलब कि H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देके जा रहा है क्योंकि इसने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, सो ये H पॉजिटिव आयन निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दो चीजें होंगी, ये पाई बॉन्ड दोबारा से बनेगा और Cl नेगेटिव रिमूव होएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देके जा रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, RO SCl डबल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। नाउ ये जो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है इसके पास फिर से कौन आएगा, Cl नेगेटिव, किसको रिसीव करने, R को, और ये बन जाएगा RCl, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, दैट विल बी सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, इट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन और क्या बन जाएगा, HCl। सो दिस वॉज ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। विद दिस हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CH bonds। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन।